हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बनने वाली मिठाई। इससे ये सावन में हरियाणा में बहुत ही फेमस है। इसके लिए हमने ये एक कप गुड़ ले लिया है। उसके बाद हमने इसमें एक गिलास ही पानी ले लिया है और उसको अच्छे से मेल्ट होने तक पका लेंगे। ये बिल्कुल घोल तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर में इसे बॉईल कर लेंगे तो सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें गैस फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने तक रख देंगे। जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना होए तब तक साइड में रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें एक कप आटा लिया है और ये जो गुड़ का घोल था इसको हमने आटे में डाल दिया है। और फिर हमने 2 चम्मच के करीब इसमें घी डाला है। घी डालने से ये होता है कि जो हमारी ये मीठी मठरी बनेंगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और खाने में स्वाद पड़ जाएगा। उसके बाद ये मैंने बिल्कुल आटे को बहुत टाइट गूंद लिया है। ये लूज आटा नहीं होता, इसके लिए बहुत टाइट आटा गूंदना पड़ता है कि हम अच्छे से मसलते हुए बहुत टाइट आटा तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने ये थोड़े से 1 चम्मच के करीब हमने तेल ले लिए हैं। आप अलसी के बीज भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे ये कर लें। उसके बाद हम अच्छे से इसमें इन तिल को सभी को मिक्स कर लेंगे ताकि सारे अच्छे से मिल जाएं। उसके बाद हम एक रोटी की शेप में इसको बना लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे कटोरी की हेल्प से भी काट लें। ये मैंने दूसरी आटे की लोई ली है और उसको भी मैंने गोल गोल बेल लिया है। उसके बाद हम इसको 2 रोटियों को एक साथ रख कर एक रोल बना लेंगे। आप 3 रोटियों के साथ भी लेयर्ड बन जाएंगी। उसके बाद हम गोल गोल रोल बना लेंगे और चाकू की हेल्प से इक्वल इक्वल काट लेंगे। इससे यह होता है कि सारी जो मठरी बनेंगी वो इक्वल साइज की बनेंगी, कोई छोटी बड़ी नहीं बनेंगी। आप धागे की हेल्प से भी काट सकते हैं। ये हमने सारी तैयार कर ली हैं। अब तब तक हम साइड में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब ये तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करते रहेंगे उलटते पलटते हुए जब तक ये थोड़ी गोल्डन ना हो जाए। और उसके बाद हम दूसरा बैच भी ऐसे ही गोल्डन होने तक पका लेंगे। ये बहुत ही स्वाद लगती हैं, आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखो बिल्कुल सख्त तैयार हो गई हैं बनकर। उसके बाद मैंने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लिया है। सभी उनको मठरियों को हम ऐसे सेक लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।